मेरे दगड़ियों, आज मेरा अपने बुलेट के साथ पहला ट्रैक है बिनसर महादेव के लिए। और जानता हूँ मैं कि बुलेट के साथ आने वाले ये दो दिन मेरी लाइफ के सबसे अच्छे दिनों में से होंगे, क्योंकि महादेव के पास जो जा रहे हैं। रुको, मेरा बुलेट वो डुग डुग वाली गाड़ी नहीं, ये मेरा नन्ना सा बच्चा बुलेट जो सिर्फ अभी 10 महीने का है, और इसे सब प्यार से बूबू बुलाते हैं। फिर वो नीचे मार्केट तक पैदल जाएंगे, फिर मार्केट से अपने भाई लोगों को ज्वाइन करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी रात से इसने सुबह कहीं वॉक किया नहीं है तो काफ़ी एनर्जेटिक है और तो गाड़ी में तंग करेगा। तो आप लोग भी जब भी कभी अपने डॉग के साथ कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी में, तो पहले ट्राई करें कि उसको नॉर्मल एक वॉक करा दिया जाए, ताकि वो उतना एनर्जेटिक ना रहे और आपको गाड़ी में भी तंग नहीं करेगा, तब वो अपना गाड़ी में अपना रिलैक्स रहेगा, अपना सो जाएगा। तो हम अभी मार्केट तक जाएंगे, मार्केट यहाँ से नीचे 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और फिर वहाँ से अपने भाई लोगों को ज्वाइन करेंगे। तो इसको अभी पता लग चुका है कि मैं घूमी घूमी जाऊँगा, तो ये काफ़ी एक्साइटेड हो रहा है लगा घूमने की, कहीं मेरे को छोड़ के ना चले जाए। बुबू हम जा रहे हैं, बुबू बाय, हम जा रहे हैं, आपको नहीं ले जा रहे हैं। बच्चा परेशान हो जाता है। जाए, नहीं, आप नहीं जा रहे हो। बुलेट और मैं निकल पड़े हैं घर से पैदल मार्केट के लिए, और वहाँ आप ज्वाइन करेंगे अपने बाकी साथियों को। दोस्तों, हम निकल पड़े अपने गांव संगलाकोटी से पिटसैन के लिए, जो कि हमारा आखिरी स्टॉप था, और हम बैजरों के रास्ते होते गए। लेकिन ये बुलेट के बच्चे को देख रहे हो, ये कहता है पूरी विंडो नीचे कर दो और मुझे बाहर निकलने दो। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो ये कह रहा हो कि मुझे बस बाहर उड़ने दो। हमारा बुलेट कभी बाहर इतना रहा नहीं है, तो हमने सोचा वहाँ उसकी दूसरी पपीज़ के साथ फ्रेंडशिप कराया जाए, लेकिन आज ये कहाँ उन्हें भाव देने वाला था, ये तो आज घूमी घूमी के लिए निकला हुआ था। उत्तराखंड की इन ऊँची पहाड़ियों के जितने भी नज़ारे थे ना, उन सब के असली मज़े तो बुलेट ने लिए, कभी आगे वाली सीट से, कभी पीछे वाली सीट से। अपने 4 घंटे लंबे सफ़र के बाद हम इस ट्रैक के बेस पॉइंट पिटसैन पर पहुँचे। इसके आगे हमें इस रास्ते पैदल चलना था बिनसर महादेव के दर्शन के लिए। और आप लोग भी जब पिटसैन पहुँचोगे तो आपको वहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर वीरचंद गढ़वाली जी का बड़ा सा म्यूज़ियम दिखाई देगा, जिसका ये इतना बड़ा गेट है। फ़िलहाल ये म्यूज़ियम अभी बन रहा है, तो हमने एक दिन के लिए अपनी गाड़ियाँ यहीं पार्क कर दी थी। ये अपने वीरचंद्र फ्रीडम फाइटर, ये भी म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद काम चल रहा है। ये है हमारा ट्रैक रूट, जो कि बांज और ब्रास के जंगलों से होते हुए जाएगा 14 किलोमीटर का, और इसे कवर करने में हमें 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। हमारा हेलीकॉप्टर नहीं चल, गाइस ये देख रहे हो, ये किसी लेपर्ड ने गाय को मारा हुआ है। बच्चे की एक्साइटमेंट देख रहे हो, सबसे आगे जाने की, ये रुकने वालों में से बिल्कुल नहीं है।
प्लीज कर रहा हट जाए यार। हम सब में हमारे थे एक अभिलाष भाई जिनके पिज्जा बर्गर जवाब देने लग गए थे, तो उनकी जिम्मेदारी ली बुलेट ने कि इन्हें तो मैं लेकर जाऊंगा अपने साथ, क्योंकि बुलेट तो लेट होना चाहता नहीं था, वो सबसे आगे रहना चाहता था। तो हमने दे दी उनकी कमान बुलेट के पास। फिर क्या, फिर शुरू हो गई अभिलाष भाई की बुलेट के साथ नॉन स्टॉप ट्रैकिंग। पीले बोला पीले थोड़ा स्लोली डालो ना, हाथ में रुक नहीं रहा पानी। अब वो चाट के भी कर दे कर ही दिया तीन खराब ने। और नन्नी सी जान यहाँ पे हमारी टीम को लीड करते हुए दो ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, टीम सुमित और टीम बुलेट। टीम सुमित के कैप्टन सुमित आगे निकल चुके हैं काफ़ी, तो हमारे टीम के कैप्टन बुलेट हार नहीं मान रहे, खींच के आगे ले जा रहे हैं कि मुझे उसको पकड़ना है। लीड ले ली टीम सुमित के कैप्टन सुमित ने। हम लोगों ने ट्रैक आधा कवर कर लिया था, लेकिन सब इतना थक चुके थे कि हम लोगों ने सोचा यहाँ पर कुछ देर आराम करके चाय बनाई जाए, और तब तक बुलेट भी आराम कर लेगा, नहीं तो बुलेट तो सबसे जल्दी महादेव के पास पहुँचना चाहता था। बुलेट थक गए? बुलेट दे रहा है? अच्छा उधर देख ऑक्सीजन का है भाई, ये देखो मेरा बच्चा थक के कैसे सो रहा है यहाँ पे। निनी ले रहा हो पावर नैप? हाँ पावर पावर नैप। हाँ एक बार वेल पानी एक बिस्कुट फिर बार चलो। वो बोल रहा कि भाई तुम तो चाय पीना छो, मैं चल रही हूँ नैप। जब तक बुलेट पावर नैप ले रहा है और हमारी चाय बन रही है, तब तक आप उस लोकेशन पे बुलेट की कुछ पिक्स को चेक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पिक्स कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बुलेट को देखो कहाँ जा रखा है, वो ऑलरेडी हमसे पहले काफी पहले ऊपर पहुंच चुका है। ये पूरा रास्ता जंगल के बीच में से होकर गुजरता है और यहाँ आपको काफी बांज और बुरांस के पेड़ भी दिखेंगे, और रात होने पर यहाँ कई जंगली जानवर भी आते हैं जैसे तेंदुआ हिरन भालू। लेकिन जब सफ़र भोले बाबा से मिलने का होना तो मन में डर नहीं, उनसे मिलने की एक्साइटमेंट होती है, और यही चीज़ इस सफ़र की खास बात है। पहुँचते पहुँचते 6:30 बज गए और फाइनली हम अपने भोले बाबा के दरबार पहुँच गए थे, और आज रात हमें यहीं रुकना था।